हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम ब्लैंक वर्ड्स को डिस्कस करेंगे एंड हियर कम्स आवर शॉर्ट नोट ऑन ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स इज पोइट्री रिटन इन अ रेगुलर मेट्रिकल पैटर्न बट विद अनराइम्ड लाइन्स। ऑलमोस्ट ऑलवेज दैट रेगुलर मीटर इज आयम्बिक पेंटामीटर। This is the reason why blank verse is also known as unrhymed iambic pentameter lines. Of all English metrical forms, it is closest to the natural rhythms of English speech. This is the reason why it has been more frequently and variously used than any other type of the versification. Blank verse उस तरीके की poetry को कहते हैं दोस्तों जिसमें एक रेगुलर मीटर का तो प्रयोग होता है लेकिन लाइंस अनराइम्ड ही रहती हैं दोस्तों। और ब्लैंक वर्स में ज्यादातर यूज होने वाला मीटर आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है दोस्तों। इसीलिए ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्स के नाम से भी जानी जाती है। सारे इंग्लिश मेट्रिकल फॉर्म्स में ये ब्लैंक वर्स ही है दोस्तों जो इंग्लिश स्पीच की रिदम के सबसे ज्यादा करीब है और यही कारण है कि ब्लैंक वर्स का प्रयोग फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार और वेरियसली अर्थात विविध रूपों में किया जाता है दोस्तों। इतना फ्रीक्वेंटली इतना वेरियसली किसी भी इंग्लिश वर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। सून आफ्टर ब्लैंक वर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशंस ऑफ बुक 2 एंड बुक 4 ऑफ वर्जिल्स द एनीड, इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन एंड लेटर पोएटिक ड्रामा। क्रिस्टोफर मार्लो मेड द पावरफुल एंड परफेक्ट यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन हिज प्लेज एंड दिस इज वाई बेन जॉनसन कॉल्ड इट मार्लोज माइटी लाइन। वी फाइंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैंक वर्स इन द फॉलोइंग लाइन्स। वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड द 1000 शिप्स and burnt the topless stars of Ilium. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. Dr. Faustus Marlowe. The Earl of Surrey, yani ki Henry Howard, वो व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले blank verse को introduce किया था। उन्होंने इसका प्रयोग Virgil's The Aeneid के अपने translations की book 2 और book 4 में लगभग 1540 के आसपास किया था। और उसके बाद तो ब्लैंक वर्स एलिजाबेथन ड्रामा के लिए और दूसरे आने वाले पोएटिक ड्रामास के लिए एक स्टैंडर्ड मीटर बन गया था दोस्तों। और क्रिस्टोफर मार्लो ने तो इस ब्लैंक वर्स का प्रयोग और भी पावरफुल और भी परफेक्ट तरीके से किया था। इतना कि बेन जॉनसन ने मार्लो के ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन तक कह दिया था दोस्तों। और ऐसी माइटी लाइन का एग्जाम्पल, ऐसी ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल हमें क्रिस्टोफर मार्लो की इन लाइन्स में देखने को मिलता है। क्या यही चेहरा था जिसने 1000 जहाजों को लॉन्च कर दिया था यानी कि पानी में उतार दिया था युद्ध के लिए? और क्या यही चेहरा था जिसकी वजह से इलियम यानी कि ट्रॉय के कई सारे टॉपलेस टावर्स को जला दिया गया था? ओ स्वीट हेलन, तुम ही तो हो जिसने ट्रॉय का इतना बड़ा युद्ध करवाया था। ओ स्वीट हेलन, मुझे एक किस दो और उस किस से मुझे भी अमर बना दो। जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर हिज वर्ल्ड फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट। द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम दिस इमॉर्टल एपिक आर वर्थ रिमेंबरिंग। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक द हेवन ऑफ हेल a hell of heaven. To reign is worth ambition, though in hell. Better to reign in hell than serve in heaven. Paradise Lost, Milton. दिमाग अपने ही स्थान पर है और ये दिमाग अपने अंदर hell का heaven भी बना सकता है और heaven का hell भी। reign यानी कि शासन करना वो ज्यादा ambition वाला है, वो ज्यादा महत्वाकांक्षी काम है दोस्तों, चाहे वो शासन हेल में ही क्यों ना किया जाए। हेवन में सर्व करने से अच्छा है कि हेल में रेन करो।
अर्थात स्वर्ग में गुलामी करने से ज्यादा अच्छा है कि नरक में राजा बनकर जियो। ब्लैंक वर्स हैज बीन यूज्ड बाय द फॉलोइंग राइटर्स इन देयर पॉपुलर वर्क्स। जेम्स टॉमसन फॉर हिज डिस्क्रिप्टिव एंड फिलोसॉफिकल सीजंस, विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल प्रिल्यूड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फॉर द नैरेटिव आइडल्स ऑफ द किंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग फॉर द रिंग ऑफ द बुक एंड मेनी अदर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स ही रोट, एंड टी एस एलियट फॉर मच ऑफ द वेस्टलैंड। ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग निम्नलिखित राइटर्स ने अपने वर्क्स में किया है। जेम्स टॉमसन ने ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग सीजंस को लिखने में, वर्ड्सवर्थ ने प्रल्यूड को लिखने में, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आइडल्स ऑफ द किंग नामक किताब को लिखने में किया है। साथ ही रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के साथ साथ अपनी एक पॉपुलर बुक द रिंग एंड द बुक को लिखने में भी किया है, और टी एस एलियट ने भी वेस्टलैंड का बड़ा वाला हिस्सा ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखा है। दोस्तों, विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।